वेलकम टू आवर शो इनर एंड आउटर ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी बाय कामिनी खन्ना। मैं कामिनी खन्ना आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, कोई कहता है कि मुझे इतना गुस्सा आता है कि सामने वाले को धर दबोचूं, इतना कुछ कहूं कि उसको दिल तक हर्ट हो जाए। कोई कोई तो गुस्से में क्राइम कर देता है। मानसिकता क्या है, क्रोध क्यों आता है, मानसिकता को स्वस्थ कैसे बनाए, यही है आज का हमारा विषय। तो सुनिए, मानसिकता को स्वस्थ बनाने के लिए क्या आपने कभी सोचा है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि 70% बॉडी में जो है वो पानी होता है। क्या आपने कभी अपनी बॉडी में पानी की बराबर पूर्ति की? लोग कहते हैं गुस्सा आया इसे 4 गिलास पानी पिलाओ। ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी को गुस्सा आता हो तो उसे 3-4 गिलास पानी तुरंत पी लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि वो जो जगह होती है, वो जो टाइम होता है, उसे बस ठेलना है, इधर उधर करना है, आपको उस टाइम से परे चले जाना है। अगर यहाँ पर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे लिए उचित है कि मैं उस स्थान को छोड़ दूँ। अगर न टले तो मेरे लिए उचित है कि मैं 4 गिलास पानी पीऊँ। अगर यही बात खत्म नहीं होती तो मैं आपको और कई उपाय बताती हूँ स्वस्थ मानसिकता के लिए। आप रोज शाम समुद्र पर टहलने जाया कीजिए। पानी पर जो टहलना होता है, पानी के नजदीक जो टहलना होता है, उससे मानसिकता स्वस्थ होती है। इसके अलावा अगर आपके लग्न और राशि को मोती पहनना सूट कर रहा हो तो आप कोई भी मोती खरीदें, या बसरा या साधा, इंडियन या चाइनीज खरीद के आप चांदी में धारण करें। अगर आप मोती ना धारण कर सकें तो आप चांदी जरूर शरीर पर धारण करें। ये सब नेगेटिविटी को कट करती है। इसके अलावा मैं जब कहूंगी कि गुस्सा आने की वजह जो होती है उसको दबाने के लिए, अगर आप रोज रात सोते समय गाय का ठंडा दूध पिया करें तो इससे आपका गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा। है ना मजेदार बात? आप कहेंगे कामिनी जी ये क्या बात हुई, ये बात ऐसी हुई कि जो दूध है वो चंद्रमा को डिनोट करता है, और चंद्रमा जो है वो मन को डिनोट करता है, और मन जो है उसमें शांति रहे इसलिए चंद्रमा से निगड़ित सारे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि पानी, जैसे कि मोती, जैसे कि दूध, जैसे कि समुद्र, ये सब चीज़ें। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं स्वस्थ मानसिकता के लिए, एक संपूर्ण स्वस्थ आहार की। जी हाँ, मांसाहार छोड़ दीजिए और शाकाहारी ज़्यादा बनिए, ये बता रही हूँ। इस बार एस्ट्रो फूड के सेक्शन में आती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवर शो। मैं इस फूड सेक्शन में आपको फिर से बताने जा रही हूँ कि ये जो एस्ट्रो फूड है इसमें आपको क्या छोड़ देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, और क्या आहार में ज़्यादा लेना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मांसाहार की, और मांसाहार क्या चीज़ है ये आप आज जानिए मुझसे। देखिए, कुछ चीज़ जब मर जाती है तो उसे शव कहा जाता है, और वही मरी हुई चीज़ स्पेशली उसको मारने के बाद ही हम खाते हैं, तभी वो मांसाहार होता है। क्या आप जानते नहीं कि किसी भी चीज़ को मरने के बाद उसको दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसको प्रवाह कर दिया जाता है, या किसी भी विधि से उसको नष्ट कर दिया जाता है? क्या आप जानते नहीं कि ऐसी चीज़ जो मरी हुई है वो आप खा लेने के बाद पूरी तरह से, क्योंकि आप शेर चीता नहीं हैं, आपकी जठराग्नि इतनी स्ट्रांग नहीं है, या आप इतनी तेज़ी से दौड़ नहीं रहे कि आपकी जठराग्नि से वो जो मांस है वो पिघल जाए, तो वो क्या होगा, वो जो मांस है आपके पेट के किसी कोने में डिपॉजिट होता रहेगा और उसमें कीड़े पैदा होते रहेंगे, क्योंकि वो शव है, क्योंकि वो मांस है किसी मरे हुए चीज का, किसी मुर्दे चीज का। अगर वही चीज को, वही शव को, या मुर्गी, या जो भी गोश्त है, या जो भी डेड चीज़ है, उसको आप मरने के बाद किसी कोने में घर में रख दीजिए और फिर उसकी दशा देखिए, उसमें से कीड़े निकलने शुरू हो जाएंगे, और वो ही कीड़े आपके पेट में डिपॉजिट होते हैं। जब वो बहुत दिनों तक आपके पेट में पड़ा रहता है, उसका कुछ होता नहीं, उससे जठराग्नि से वो पिघलता नहीं। ये मांस है मेरा, मैं आपको करके दिखाती हूँ, और ये भी मेरा मांस है, इन दोनों को अगर मैं ऐसे करके रगड़ दूं तो क्या ये एक दूसरे में पिघल जाएगा? जी नहीं, पिघलता नहीं,
और ये डिपॉजिट होता नहीं, जितना है वो निष्क्रियता से निकल तो जाता है और जितना नहीं निकलता वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो विघ्न पैदा करता रहता है उसमें कीड़े पैदा होते रहते, बीमारियां पैदा होती, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और जब वो पूरी तरह पिघलता नहीं, पूरी तरह जब साफ नहीं होता तो उससे गुस्सा भी चढ़ता है। ये एक स्वस्थ मानसिकता के लिए बहुत ही खराब है। इससे क्या होता है कि आपकी एसिडिटी जो है बढ़ जाती है। जब एसिडिटी बढ़ती है तो उसका पेट से साइकोसोमेटिक डिजीज से माइंड से ज़्यादा रिलेशन होता है, और जब पेट खराब होता है तो ऑटोमेटिकली माइंड भी खराब हो जाता है, मानसिकता अस्वस्थ हो जाती है। ये मैं आपको बता रही थी कि मांसाहार शाकाहार से कैसे डिफरेंट है। शाकाहार एक बहुत ही नाजुक सी कोमल सी चीज़ है जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी जठराग्नि के लिए एक प्रॉपर आहार। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको आपकी राशि स्वामी या लग्न स्वामी के बारे में जानकारी नहीं होती और आप कई बातें ऐसे करते ही जाते हैं जिनसे फायदा या नुकसान आपको क्या हो रहा है ये पता ही नहीं चलता। चलिए देखते हैं हमारी जनता जनार्दन इस बारे में क्या जानती है। मैंने आपको बताया कि एस्ट्रो फूड, एस्ट्रो क्या है, फूड क्या है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि एस्ट्रो क्या है, फूड है, डू यू नो अबाउट एस्ट्रो फूड? फूड इज फूड, आप बोलेंगे फूड इज फूड, उसमें एस्ट्रो क्या? एस्ट्रो मतलब जो आप पहन रही हैं, जैसे आप खा रही हैं, तो जो ग्रीन खाती हैं वो बुध से रिलेट करता है, जो येलो खाती हैं वो गुरु से रिलेट करता है, जो ब्लैक खाती हैं या तेल खाती हैं वो शनि से रिलेट करता है। क्या थोड़ा बहुत मालूम था इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। नथिंग अबाउट दिस। ये मालूम है कि हनुमान जी पे तेल चढ़ाते हैं? हाँ, ये बताए। कौन से वार को? शनिवार को। नेचुरली तेल जो है वो सैटर्न को रिलेट करता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप ऐसा कुछ सोच समझ के खाती हैं कि कहीं भी कुछ भी खाती हैं? नथिंग, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत यंग है। इम्पोर्टेंट, मंडे ट्यूजडे नॉनवेज नहीं खाती, वो सोच समझ के खाती। नॉनवेज नहीं खाती? अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉनवेज कम कर दीजिए खाने के लिए, आप मेरी बात माने? ऑब्वियस कम ही खाती हूँ। मैं अपने शो में यहाँ बता रही हूँ लोगों को कि नॉनवेज जो है वो मांस से मांस जो है घस के कभी भी वो पचता नहीं है, तो नॉनवेज खाना एकदम बंद कर दीजिए, वो अंदर जाके कभी पचेगा नहीं। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं कि आपने नॉनवेज छोड़ दिया, लेकिन नॉनवेज खाने के बाद वो सड़ता रहता है बॉडी में और उससे कीड़े पैदा होते हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं? ऑफ कोर्स सहमत है, एंड आई विल डू दैट। और मैं आपकी खुशी के लिए आपको एक से लेके 108 तक एक नंबर पूछूंगी। कोई एक नंबर बताइए, मैं आपको एक टिप देती हूँ। कोई एक नंबर 16। ओके, आप शुक्र लग्न की हैं और आपने जो व्हाइट पहन रखा है आज आपको खुशी देगा। आप अगर पिंक भी पहनेंगी तो आपको खुशी देगा, आप अगर डायमंड भी पहनेंगी तो आपको खुशी देगा। आप मानिए मेरी बात, डायमंड ना हो तो जरकन पहनिए, जरकन ना हो तो ओपेल पहनिए, व्हाइट पहनिए, पिंक पहनिए, यू विल बी हैप्पी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपने देखा कि लोगों को बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इतना तो मालूम है कि हनुमान जी के ऊपर शनिवार को तेल चढ़ाते हैं और तेल जो है शनि से रिलेट कर रहा है, मगर ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही अनजान है ये लोग। थोड़ा बहुत तो जान रहे हैं, बस थोड़ी सी ज़रूरत है इनको थोड़ा सा और बताने की। और बहुत से लोगों को तो आपके बीच में मालूम भी होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो देखिए हमारा शो ब्यूटी एंड एस्ट्रोलॉजी विद कामिनी खन्ना। तो दोस्तों, देखा आपने कि आसमा के जगमग सितारे, नक्षत्र, ग्रह आप पर क्या असर डाल रहे हैं और इस जमी के जगमगाते सितारे आप पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं, आप उनके जैसा क्यों बनना चाहते हैं। आइए मैं मिलाती हूँ एक ऐसे ही जगमगाते सितारे के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू अवर शो इनर एंड आउटर ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि आपको एक जगमग सितारे से मिलवाऊंगी, वो सितारा जो बहुत ही शोक है, बहुत ही चुलबुला है। आइए मिलाती हूँ आपको राखी सावंत जी से। राखी, जैसे कि आप मुझे दिख रही हैं, बहुत ही छोटी सी, सुंदर सी और फिट लड़की हैं, और मैं ईश्वर से दुआ करूंगी कि आप इसी तरह फिट रहें और हमारे शो देखने के बाद आप और मोटिवेट हो जाएंगी कि कैसे और भी फिट रहा जाता है। राखी, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूंगी कि आप जैसे आप डांसिंग स्टार हैं, और एक डांसिंग स्टार के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो शौक कब जागता है,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बॉर्न स्टार ही होता है, ये 3 साल की उम्र से प्रोग्राम कर रहे थे, ये कई बार ऐसा होता है कि हमने सीखा है डांस, तो आपने क्या किया है, सीखा है या? मैं कैसे बताऊँ आपको, एक्चुअली मैंने सीखा भी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद. ओके. वैसे ये तो बचपन से मेरे खून में है, पता नहीं कुछ है मेरी बॉडी में जो म्यूजिक स्टार्ट होते ही रिदम स्टार्ट हो जाता है, मेरा खून कहते हैं ना खोलने लगता है, है कुछ. हाँ. तो उससे क्या ना, डांस से एक आदमी को रिलैक्सेशन भी मिलती है. और हाँ, और मैं आपको बता दूँ, अगर आज मैं आइटम गर्ल या एक अच्छी डांसर नहीं बनती तो मैं कुछ नहीं बनती लाइफ में, क्योंकि आप मुझे बड़े से बड़ा बिजनेस डाल के दे दीजिए, आई डोंट थिंक सो मैं वो कर पाऊँगी. दोस्तों, ये आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना नहीं है. डांस एक साधना है, तपस्या है. कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं फिल्म वाले क्या डांस करते हैं, मैं भी झूम लेता हूँ, मैं भी डांस कर लेता हूँ या झूम लेती हूँ. सिर्फ झूम लेना ही डांस नहीं, किसी के कहे अनुसार अपने अंगों को हिलाना, किसी के कहे अनुसार स्टेप करना ज़्यादा मुश्किल है. फिटनेस के लिए क्या करती हो राती? मैं सुबह उठ के पहले एलोवेरा खाती हूँ गर्म पानी में, उसका जो जेल रहता है जेल, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद चाय या ब्रेकफास्ट, फिर जिम, मतलब पूरा वर्कआउट, ये हर एक चीज़ को तेल कम ऑयल कम ऐसी सारी चीज़ें बहुत अवॉइड करती हूँ मैं, ऑयल सब कुछ. आपको शायद ये मालूम होगा कि ये हमारा शो जो है ब्यूटी एंड एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, तो ब्यूटी के साथ जब एस्ट्रोलॉजी को हम रिलेट करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि जब जिसका शुक्र अच्छा होता है, वीनस जिसका अच्छा होता है, वो अगर अच्छा स्थित बैठा हो, लग्न में बैठा हो या अच्छी उसकी स्थिति हो, तो वो अच्छा आर्टिस्ट होता है. शुक्र बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ये पहना हुआ है डायमंड पहना हुआ. ये मेरे पंडित जी ने कहा है, एस्ट्रोलॉजर जो मेरे हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बहुत बिलीव करती हूँ. मैं ये करती हूँ, हर किसी को बिलीव एस्ट्रोलॉजर में करना ही चाहिए, बिकॉज गॉड में और इन सब चीज़ों में बिलीव करना चाहिए. मैं करती हूँ, ये तो साइंस भी प्रूव हो चुका है. यस, वक्त से ज्यादा, और वो एक कहावत है ना, वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा, भाग्य से ज्यादा और तकदीर से कम कभी किसी को नहीं मिलता या मिल हाँ, मिल जाता हाँ, है ऐसा कुछ है. बट मैं दोस्तों को यहाँ पर एक बता दूं दर्शकों के, हमारे इंडियन कोर्ट के हिसाब से भी हमें शायद ये मिल चुका है, मान्यता मिल चुकी है ज्योतिष के लिए कि ये पढ़ाया जाए और सब जगह इसका प्रचार हो. तो हम ज्योतिष को यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर रहे थे. आज के दिनों में मंगल शनि की युति चल रही है राखी, और बहुत सारे, और मैं आपको बता दूं कि मैं मंगली भी हूँ. हाँ, आप ही पहन जी, ये तो आज शूटिंग है इसलिए मैंने शनि का भी नहीं पहना है, वरना क्योंकि जो मेरे एस्ट्रोलॉजर जो मेरे पंडित जी वो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट अलग बताते हैं कि आज तक आपने देखा नहीं होगा किसी भी फीमेल ने शनि के जो होता है स्टोन वो कभी नहीं पहनेगी, लेकिन जो मेरे एस्ट्रोलॉजर उन्होंने कुछ अलग टेक्निक निकाली हुई है. नहीं, वो आप स्टोन पहन सकती हैं फीमेल, लेकिन उसमें मंगल और शनि साथ में नहीं पहन सकते ना. लेकिन मैं आपको बता, सिर्फ आज शूटिंग है इसलिए मैंने नहीं पहना है, वरना मैं पहनती हूँ और मेरा करियर बहुत अच्छा जा रहा है. बहुत अच्छा, बट मैं बिजी होने हो काफ़ी हूँ, काफ़ी अच्छे काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो शुक्र मेरा पावरफुल है, मेरा मंगल स्ट्रांग है, शनि जो है मेरा 1% है. अगर मैं शनि का स्टोन पहनती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा होता है. मतलब सारे ग्रहों को मैं अपने आसपास पकड़ के मैंने रखे हैं, यू नो. नहीं, इसमें मैं आपसे कहूँगी, आप ज्योतिष में कितना विश्वास रखती हैं ये तो हमें मालूम, मैं बहुत 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 विश्वास रखती हूँ. मालूम पड़ गया कि आप ज्योतिष में बहुत विश्वास रखती हैं और ये पहनती. कई बार ऐसा होता है राखी कि मंगल शनि एक ही घर में बैठे हों तब भी कोई ज्योतिष आपको ऐसे सजेस्ट कर सकता है. ऐसे अगर सबकी बातें सुने तो फिर गलत होगा, आपको जो एक ही की बात सुननी है, हजार की बात आप नहीं सुन सकते. बिल्कुल, एक साधे सब सदे एक ही, और सब साधे सब जाए, सही ऐसा बोलते हैं. और विश्वास एक बहुत बड़ी विचारधारा है, और राखी आपने यहाँ आके हमें समय दिया दर्शकों को. और कुछ नहीं तो मैं आज आपको एक बात बताऊं कि हर बार तो हम अपने जो आते हैं सेलिब्रिटी उनकी कुंडली निकालते हैं, बट यहाँ पर आप जैसे सुन रहे हैं दर्शकों के आवाज़ आ रही है और वो सेट पर मेकअप के साथ कपड़ों के साथ बिल्कुल रेडी है, और इन्होंने हमें समय दिया ब्यूटी एंड एस्ट्रोलॉजी में आकर. ये हमारा बहुत अच्छा भाग्य है और मैं इसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. और जो एलोवेरा वाली बात बोली है
वो आप करने से पहले आजमाइए, क्योंकि अगर इनका बुध अच्छा होगा तो इनको एलोवेरा ज़रूर सूट कर रहा होगा। और ग्रीन चीज़ें जितनी हैं राखी, मैं हमेशा कहती हूँ ग्रीन चीज़ें उनको ज़्यादा सूट करती हैं। मुझे काफ़ी सूट करती है ग्रीन चीज़ें, बिकॉज मैं ग्रीन चीज़ें बॉयल वेजिटेबल्स यू नो सूप ये सारी चीज़ें मैं खाती हूँ, और मुझे ग्रीन कलर पसंद भी बहुत है। शायद मेरा बुध अच्छा होगा ये नहीं। और ये भी बुध के साथ साथ एक प्रैक्टिकल चीज़ भी आपको बताने जा रही हूँ कि जो ऊतक होते हैं, जो बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, जो बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं उससे जवान रहता है आदमी, उससे उसकी स्किन भी अच्छी रहती है ज़िंदगी भर। टिश्यूज़ को जवान रखने के लिए रॉ खाया जाता है, जैसे एलोवेरा रॉ खाते हैं हम लोग, वैसे ही अगर सैलड सूप्स और फ्रूट्स हम खाते रहें तो आदमी 70 साल तक जवान रह सकता है। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बता दिया, मतलब मैं फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा टिकी रहूंगी अगर ये सब चीजें खाऊंगी तो, और यंग रहूंगी बहुत बहुत सालों सालों तक। वेरी नाइस। चलो अच्छा, ये शो मैंने आपके साथ आई आपके शो पे तो कुछ तो मुझे नॉलेज मिल गया, बहुत अच्छी बात है ये। आप डटे रहिए और आप खूब डांस करिए, और आप पर ईश्वर की खूब कृपा हो। यही ब्यूटी एंड एस्ट्रोलॉजी के दर्शकों की तरफ से, हमारे क्रू की तरफ से मेरी ओर से शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी राखी सावंत जो अपनी शो खदाओं से आपको रिझा रही थी और आपके रूबरू थी। मैं आपको बताती हूँ कि दोस्तों, अपनी परवरिश, आपके घर की जो आदतें और अपनी संस्कृति, जो भी आपकी संस्कृति हो अपने धर्मानुसार, आप पर क्या प्रभाव छोड़ देती हैं ये आप खुद जानते हैं। इसमें कई न्यूनगंड भी आ जाते हैं, कमियाँ भी आ जाती हैं। तो चलिए बताती हूँ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेगमेंट में कि कैसे अपनी कमियों से ऊपर आया जाता है। ये बात बहुत पते की है कि कहते हैं कि पहनो जग भाता और खाओ मन भाता, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई कहता है कि आपने फलाना ड्रेस पहना है जो आपको सूट नहीं कर रहा, या आप बहुत मोटे हैं और ये चुस्त ड्रेस आपको सूट नहीं कर रही, या ढीली ड्रेस आपको सूट नहीं कर रही, तो जरा शीशे के सामने खड़े हो जाइए और देखिए कि उसकी बातों में कितना दम है। वाकई कि आपको ऐसी ड्रेस सूट नहीं कर रही। ड्रेस सेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि इसके ऊपर कईयों की रोटी रोजियां भी चलती हैं। ड्रेस यानी कि कपड़ों को डिजाइन करना या कपड़े बेचने से लेकर कपड़े पहनने तक एक कला है जो अपने आप में एक विस्तृत जानकारी रखती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम ऑड टाइम्स पे ऑड कपड़े पहनते हैं, वो भी गलत है। ये नहीं कि मैं आपको टोकने जा रही हूँ, लेकिन हमारी कई बहनें अपने दिन की दिनचर्या में गाउन पहने रखती हैं, या हमारे कई भाई लुंगी पहने रखते हैं। ये क्या उचित है? जी नहीं, जब आप शैया पर जा रहे हो तो ऐसे कपड़े पहनना उचित है। इसके वजह से आपकी जो पर्सनालिटी में जो कमी है उसका उभार ज्यादा होता है। ये जरूरी नहीं कि आपने ड्रेस पहनी है उसकी कीमत कितनी है, ये जरूरी नहीं कि आपकी जो ड्रेस है वो फटी हुई है या उसकी वैल्यू नहीं है। जरूरी ये है कि आपकी ड्रेस में ग्रेस कितना है, आपके ड्रेस पहनने का अंदाज क्या है। तो दोस्तों, ये था हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेगमेंट, जिसमें हम जानकारी दे रहे थे अपने व्यक्तित्व को निखारने की। कई बार ऐसा होता है कि हम जो थे वो आज हम नहीं हैं, या उससे ज्यादा अनुचित या उचित हुआ है, ये तो आपका हृदय ही आपको बता सकता है, आपका दिल बता सकता है कि ये हुआ तो क्या हुआ। उसके लिए मैंने कहीं पर लिखा है कि ये ना होता तो वो ना होता, और वो ना होता तो ये ना होता, कि अब जो होगा वो सही होगा। इसी संदेशे के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी, अगली बार फिर मिलूंगी एक नए संदेशे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए कामिनी खन्ना को। नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।